हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। एपिसोड नंबर 8 इज इट नेसेसरी। एंड आज का हमारे इट इज ड्रीम्स ड्रीम्स एपिसोड के अच्छा नंबर 7 कौशल। 7 है। ओ राइट, अपना एक एपिसोड तो डाउन चला गया था ना। भाई यूट्यूब वाले हमारी हाँ मतलब सक्सेस से बहुत जलते हैं, समझ रहे हो। हमने कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें की कि उनको डाउन ही करना पड़ गया। या दे आर लाइक कि दीज पीपल आर टू ऑसम। नॉर्मल जनता इतनी ऑसमनेस हैंडल नहीं कर सकती, सो वी कांट शो दिस टू पीपल। लेकिन अगर वीडियो वो देखना है सो तुम नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास भी उसकी कॉपी नहीं है, सो वो अब जा चुका है। बट तुम लोग पिछला एनीवेज वाला एपिसोड देख सकते हो। पिछला वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ऑसम था हमारा, और उसमें हमने बहुत ही सारी चीजों के बारे में बात की। तो मेरे को लगता है कि अब तक हमारा बेस्ट एपिसोड वही था। तो कोई भी अगर या जनता बट देखेगी नोबडी तो केयर्स अबाउट लास्ट दैट। आज जनता आई है ड्रीम्स के लिए क्योंकि वही उन्होंने टाइटल देख के क्लिक किया होगा। तो हम लोग अब ड्रीम्स में के बारे में चर्चा करेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। वील टॉक अबाउट ड्रीमिंग, हाउ वी ड्रीम, व्हाट डू ड्रीम्स मीन, एंड फाइनली सबसे एंड लाइक माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक, लूसिड ड्रीमिंग। उसके ऊपर तो हम दोनों के पास काफी स्टोरीज है, रिकॉर्डिंग हम इन दोनों ने किया हुआ प्रोग्रेस। है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अपन अपना चैनल का नेम ही करते हैं, ड्रीम्स इज इट इज इट नेसेसरी। नेसेसरी? सो आई थिंक इट इज नेसेसरी। मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रीम्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब हर एक पर्सन का। मतलब मैंने एक्चुअली ड्रीम्स के ऊपर ना बहुत अजीब अजीब सी थियोरीज भी पढ़ी है, और मैंने बहुत सारे लोगों की अलग अलग कहानियां भी सुनी है। मतलब ड्रीम्स में बहुत लोग ऐसी चीजें भी देखते हैं जो एक्चुअल में होने वाली होती है, हो चुकी होती है टाइप्स। बहुत सारे लोग ऐसी चीज देखते हैं जिससे कोई रिलेशन ही नहीं है उनके लाइफ का, कुछ पता ही नहीं है उनको कि भाई ये क्या चीज है, मतलब कहाँ पे कैसे पहुंच गए हम यहाँ पे। तो बहुत ही बट फिर भी आ ज्यादा गया। हाँ, फिर भी आ जाते हैं। और बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। मतलब मेरे को, मेरे साथ पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे को वो चीजें कम दिखी है जो होने वाली है जैसे लोगों को दिखती है। मेरे को बहुत अजीब अजीब चीजें ज्यादा दिखती है, अजीब अजीब इन द सेंस में बहुत ही। और मतलब मेरे मेरे ज्यादातर ड्रीम्स जितने रहे हैं, मतलब जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो मेरे को ज्यादातर ड्रीम्स बहुत वैसे आते हैं कि जिसमें मैं एकदम कुछ मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, समझ रहे। कि मतलब कोई मेरे को मार रहा है या मैं पुलिस से भाग रहा हूँ। तो ये सब चीजें मेरे साथ बहुत हुई है। आज सुबह भी इनफैक्ट मेरे को ड्रीम आया था, तो आज मेरे को वो चीज याद है। मतलब मेरे को थोड़ा सा ही पार्ट याद है। और आज के ड्रीम में ऐसा था कि मैं भाई गेट में लगा रहा हूँ मेरा गेट, और कोई ना मतलब मेरे गेट के बाजू में बहुत बड़ा कांच है तो उसमें ग्रिल वगैरह लगी हुई है, बट मैं देख रहा हूँ कि कोई अजीब सी औरत है एकदम बॉब कैट कट में, और भाई वो मतलब उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो मतलब घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, समझ रहे। मेरी फट हाँ भी और नहीं तू क्या है, कर रहा मेरी फट भी नहीं है, मैं है? गेट भी बंद कर रहा हूँ, फट भी नहीं। मतलब मैं पास जाने का सोच भी रहा हूँ पर मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ, समझ रहे। मैं घर के अंदर से देख रहा हूँ, मैं एकदम ऐसे हो गया यार, पैरा हो गया कि मैं कि क्या करूँ यार, पता नहीं चल रहा। तो ये ड्रीम था, बट मैं हाँ उठ गया। फिर अचानक से 4 बजे उठा मैं, मैंने देखा टाइम और मेरी एकदम फट चुकी थी। फिर मैं सो क्या गया। तेरे ड्रीम्स मोस्टली वायलेंट रहते हैं क्या? मतलब कुछ कुछ ड्रीम्स तो अच्छे रहे हैं, बट मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए ना, तो मेरे 60 या 70% हाँ वायलेंट रहते हैं, 30% अच्छे रहते हैं। ओके मैन, आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू। आई नो। सो बिफोर दिस पॉडकास्ट मैं थोड़े ड्रीम्स के बारे में रिसर्च कर रहा था। एंड तूने भी पढ़ा हुआ है क्या ये कि वायलेंट ड्रीम्स इज अ साइन कि मे बी फ्यूचर में पॉसिबली मेंटल डिसऑर्डर हो सकता क्या बात कर रहे हैं यार तू, ये चीज नहीं पढ़ी थी मैंने। साले तू ये बोल के मेरे को और डरा रहा है यार, पागल है क्या, ये सब बातें कर रहे। अरे 10 मिनट पहले पढ़ा है मैंने कि लाइक जिन लोगों के में मैक्सिमम मतलब वायलेंट ड्रीम्स आते हैं उसमें हो सकता है ये चांसेस है। सो चेक करवा लेना एक बार बाद में। हाँ चेक करवा लेना, मतलब डॉक्टर के पास जाके क्या बोलूं, भाई मेरे को अजीब सी ड्रीम्स आ रहे हैं, <आ, तो कैसी बात कर रहा है मेरे। पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे को ऐसा फील नहीं होता। और अगर होगा तो हो जाऊंगा पागल यार, क्या हो गया, समझ रहे। बट मेरे को फील नहीं होता कि ऐसा होगा। फ्यूचर मतलब मतलब बहुत इन सारे डिस्टेंट फ्यूचर लाइक कभी कभी आ जाता है लाइक ड्रीम्स में कि लाइक डॉक्टर भी शायद अभी डायग्नोस ना कर पाए। मैंने तो बस पढ़ा था इसलिए मैं जो पढ़ा है वही बता रहा हूँ कि लाइक मे बी 20 इयर्स 30 इयर्स डाउन द लाइन लाइक चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है होने की, कि वायलेंस इसलिए ज्यादा है ड्रीम्स में। दे वायलेंस कुड इन मीन द सेंस, समथिंग, या फिर मतलब ऐसा भी हो सकता है वायलेंस इन द सेंस मेरे कि ड्रीम्स तू में। शायद अभी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है लाइफ में, हाँ मेरे को फील उसके होता है वजह वो से भी चीज़ का लाइक भी। ऐसे टफ ड्रीम्स अब आते मेरे को हैं। बहुत सारे एकदम मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो सेक्सुअल ड्रीम्स भी आते हैं, ठीक है। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ कुछ ड्रीम्स में ऐसा होता है कि मैं ऐसे बच रहा हूँ या कुछ होता है ये वो। मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि कोई मेरे को पकड़ पकड़ के पीट ही रहे, समझ रहे। अब वायलेंस जैसे मतलब जैसे आज मेरे को ये वाला ड्रीम याद है, उसके अलावा मेरे को एक ड्रीम याद है, उसमें मतलब मैं दोस्तों के साथ बाइक पे था ट्रिपली, और पुलिस पुलिस पीछे पड़ जाती है एकदम, समझ रहे, अजीब ही। और शायद पुणे में था कि अहमदाबाद में था, मेरे को याद नहीं आ रहा। और मैं एकदम हम लोग इतनी स्पीड में है कि एक जगह से हम लोग पूरा कूद जाते हैं, समझ रहे, ऊपर ही कूद जाते हैं भाई एकदम ऐसे, और नीचे पूरा पानी और ये वो ऐसा भी। और मेरे को एकदम अब उस वक्त तो मेरे लिए रियलिटी है वो, समझ रहे, क्योंकि मैं ड्रीम में हूँ तो मेरे को लग रहा है कि ये रियलिटी है। तो
उस वक्त उसी वक्त मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मतलब मैं एकदम प्रे करने लगा ऑन द स्पॉट, जैसे मैं हवा में हूँ कि भगवान मेरे को बचा लो, ये वो मेरे को मरना नहीं है, ऐसा वैसा। और उसी सेकंड फिर जैसे ही हम लोग डूबे वैसे ही आँख खुल गई, जैसे मतलब इंसेप्शन में दिखाया है कि तुम ड्रीम में मरते हो तो तुम्हारी आँख खुल जाती है ना, और वही चीज मैंने या 3-4 बार फील की है। मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं एकदम वैसा जोन में हूँ और उसके बाद मेरी आँख खुल गई, तो वो चीज है। एक्चुअली इंसेप्शन पे आने वाला था, बट आई वाज प्लानिंग लेटर इन द पॉडकास्ट पे आएंगे उसके ऊपर. तो उसके पहले अपन थोड़ा वापस अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं. ड्रीम्स, इज इट नेसेसरी? सो एक्चुअली इट इज वेरी नेसेसरी. एंड लोग बोलते हैं कि लाइक जिन लोगों को ड्रीम्स नहीं आते, दे आर डेफिनेटली साइकोलॉजिकली लाइक कोई प्रॉब्लम है उनको, या फिर या ऐसा हो सकता है कि उनको हेड इंजरी आई है, कुछ भी है. कि ड्रीम्स आना रेगुलरली इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी माइंड. अगर ड्रीम्स नहीं आते तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो ड्रीम्स आर फॉर श्योर नेसेसरी इन अ नटशेल. बट मैंने एक पॉडकास्ट सुना था इसका, कहते हैं अपना बियर बाइसेप का, उसमें लूक आता है, तो वो ऐसा बोला था, लूक देओ जो है उसने बोला था कि ड्रीम्स का ऐसा है कि अगर तुम्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि तुम्हारी नींद तुम हाँ अच्छे लेवल पे नहीं हो। मतलब जो डीप स्लीप होती है ना, जब तुम्हारी डीप स्लीप होती है तो तब तुम सुबह उठते हो तो या तुम्हें ड्रीम या तो याद नहीं रहता या तो तुम्हें आता ही नहीं है, क्योंकि तुम इतने गलत नींद में हो। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोता हूँ, मेरे को बहुत टाइम तक तो ड्रीम आते ही नहीं, तो समझ, मतलब मैक्सिमम टाइम मेरे को ड्रीम नहीं आते, कुछ कुछ टाइम ऐसा है कि मेरे को ड्रीम आते हैं। और पहले मेरे को फील होता था कि मतलब ये नॉर्मल है कि क्या चीज़ है ये, वो मैंने उससे सुना था कि वो ऐसा बोलता है कि जब तुम्हारे स्लीप के अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, मतलब ऐसा होता है कि तुम डीप स्लीप में हो या नॉर्मल वैसे स्लीप में हो वगैरह, तो जब तुम एकदम डीप स्लीप में हो ना, तो जब या तुम्हारी बॉडी फुल अच्छे से रिलैक्स हो रही है और अच्छे से रेस्ट कर रही है, तब तुम्हें ड्रीम्स आएंगे नहीं, ऐसा उसने बोला था। अब यार उसकी बात पे तो मैं एग्री कर सकता हूँ क्योंकि वो तो बहुत ही रिनाउंड पर्सन है, समझ रहा। बाकी जो आर्टिकल्स या थियरीज पढ़े हैं मैंने उन चीज़ों पे, अब यार आर्टिकल्स बहुत सारे लोग लिखते हैं, समझ रहा, तो उस चीज़ में मैं एकदम 100% श्योर नहीं कह सकता, बट अगर कोई पर्सन इतने बड़े लेवल का ऑन रिकॉर्ड बोल रहे है तो शायद उसको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है, इसलिए शायद वो बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा फील होता है। या डेफिनेटली. सो नो, दिस इज कम्प्लीटली ट्रू कि डीप स्लीप में ड्रीम्स नहीं आते हैं. सो ड्रीम की ना साइकिल होती है, वो रेम साइकिल में आते हैं, रेम स्लीप में आते हैं. रेम इज रैपिड आई मूवमेंट, कि तभी ना अपनी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, लेकिन अपनी आईज की बहुत मूवमेंट्स होती है, तभी अपने को ड्रीम आता है. एंड ये साइकिल ना 90 मिनट टू 120 मिनट्स की होती है. अच्छा। सो समझ ले, साइन वेव याद होगा ना तुझे? साइन वेव ऐसे ऊपर नीचे जाता है. हाँ, सो डीप स्लीप एंड रेम साइकिल, ये दोनों अपोजिट एंड्स पे आते हैं. कि पहले अच्छा। ऊपर जाएगा रेम साइकिल में होगा, तब तेरे को ड्रीम्स आएंगे. फिर नीचे जाएगा डीप स्लीप में जाएगा, तब ड्रीम्स नहीं आएंगे. फिर वापस ऊपर आएगा रेम साइकिल में, ड्रीम आएंगे. तो तेरे को एक रात में 4 से 6 ड्रीम्स आ सकते हैं, क्योंकि ये 90 टू 120 मिनट्स की साइकिल होती है. तो हम लोग 8-9 घंटे सोते हैं, उसमें ये 4 4 से 6 साइकिल्स हो जाती है. सो ऐसे इन आउट होता रहता है. फिर वो डिपेंड करता है कि वो तो पर्सन टू पर्सन होता है ना, कि उनकी डीप स्लीप में कितना टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं और रेम में कितना रहता है. वो तो चीज दैट्स तो हाउ है। तेरे ड्रीम्स वर्क. एंड इनिशियली को कैसे ड्रीम्स इनिशियली आते हैं जब तुम क्वेश्चन? सोते हो ना, तब तुम्हारी ये रेम साइकिल बहुत ये छोटी होती है. अच्छा। मोर यू स्लीप, तुम्हारी ये रेम साइकिल बढ़ती रहती है. मतलब कि अगर सुबह के ड्रीम्स होते हैं ना, वो जनरली ज्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि उसके पहले 3 4 साइकिल हो चुकी होती है, इसलिए आगे की साइकिल और थोड़ी लंबी होती है. वो टाइप का सीन है. अच्छा। तो जनरली तेरे को किस टाइप के ड्रीम्स आते हैं? तो मेरे ना बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड ड्रीम्स है, लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है हर ड्रीम में, कि मेरे ड्रीम्स ना बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक है, कि लाइक वाइड शॉट्स, लाइक प्रॉपर जैसी मूवीज बनती है ना, उस तरह के मेरे ड्रीम्स आते हैं, कि मैं लिटरली उसकी मूवी बना सकता हूँ. और लाइक इतने एपिक एपिक स्टोरीज बनती है, लाइक हर ड्रीम मेरे को लगता है कि मैं एक मूवी बना सकता हूँ उसकी. लाइक बहुत सारे एपिक एपिक ड्रीम्स. एक ड्रीम में मेरा बाप थैनोस था, एंड वही सेम ड्रीम पे लाइक 10 मिनट बाद मेरा खुद का बेबी हो रहा है. मैं अपने बेबी का ध्यान रख रहा हूँ और थानों से बच रहा हूँ, अपने बाप से बच रहा हूँ. आई डोंट नो व्हाट दैट मींस. तो तेरे को क्या फील होता है, मतलब तेरे को ऐसे ऐसे सो अजीब टाइप हाँ, के ड्रीम क्यों आते हैं, मतलब ऐसे टाइप के क्या रीजन है उसके पीछे? सो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है. मतलब लाइक दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. लाइक जो वायलेंट ड्रीम्स की अपने बात की थी, मेरे को भी कभी कभी आते हैं, पर मेरे बहुत रेयर होते हैं. एंड यू नो द वियर्डेस्ट पार्ट, हमेशा मेरे को लग ड्रीम्स में यही आता है, लाइक वायलेंस जब भी होती है, लाइक पीपल आर किकिंग मी इन द बॉल्स. वही सेम आता है हमेशा, गेटिंग किक्ड इन द बॉल्स. भाई सो अपने एक वो हो गया. एंड सेक्स ड्रीम्स भी आते हैं मुझे, डेफिनेटली सेक्स ड्रीम्स मेरे बहुत ज्यादा विविड होते हैं. आई एम श्योर तेरे भी होते हैं.
बट एक्चुअली यू नो व्हाट्स द फन फैक्ट कि सिर्फ 4% पॉपुलेशन को सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं। अच्छा, ऐसा कि, मतलब ये कह तूने पढ़ा है कहीं पे, या इसका कोई रीजन भी हाँ है मतलब? नहीं पढ़ाया है मैंने, वैसे तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, मैं थोड़ी देर पहले ही लाइक जितनी भी रिसर्च थी सब अभी 1 घंटे से वही पढ़ रहा था मैं। सो कुड बी ट्रू कुड बी नॉट बी ट्रू, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ओनली 4% गेट, एंड काफी सारे लोग तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी ड्रीम करते हाँ, हैं। ये चीज मैंने भी अभी देखी, मैंने भी अभी थोड़े पहले जो सो आई रिसर्च किया था उसमें भी मैंने देखा कि ब्लैक एंड व्हाइट लोग करते हैं, बट उसमें ये चीज लिखी थी जनरली जो एजेड लोग हैं, थोड़े बड़े लोग हैं, वो लोग ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट में ड्रीम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से मतलब टीवी वगैरह या जो भी चीज है वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखी है। अब कैसा है, बहुत बार हम लोग ड्रीम ये करते हैं जो हम टीवी में देखते हैं, समझ रहे हैं? मतलब कुछ हमने देखा, हम सोच रहे हैं सबकॉन्शियसली उसके बारे में या कुछ चीजें, तो हम लोग उस चीज को लेके ड्रीम करते हैं। और मैंने एक और फन फैक्ट जो पढ़ा था, मतलब अब मेरे को नहीं पता कि ये कितना ट्रू है, बट ये मैंने फैक्ट पढ़ा था एक आर्टिकल में, तो उसमें वो बोलता है कि तुम ड्रीम में जितने भी लोगों को देखते हो, तुम कभी ना कभी उनको देख चुके होते हो कहते लाइफ हाँ में, समझ रहे हैं? पर मेरे या साथ ऐसा हुआ है दैट्स कि ट्रू, सारे फेमिलियर फेसेस ही दिखते हैं हमें ड्रीम्स में, कि हर एक फेस या तो हमने रियल लाइफ में मिले होंगे या फिर टीवी या मूवीज में कहीं पे भी देखा होगा, बट ऐसा कोई भी न्यू फेस अपने ड्रीम में कभी नहीं आता, सारे कभी ना कभी सबकॉन्शियस में होते ही अपने। मैंने भी ये चीज पढ़ी तो, पर मेरे को ऐसा लगा कि यार कभी कभार तो ऐसा हुआ है कि कोई न्यू फेस मैंने देखा है, मतलब अभी मेरे को एक्चुअली कैसा, मेरे को ड्रीम्स अपने ना इतने याद नहीं रहते, सही बोलो ना, बहुत ही छोटा सा पार्ट कुछ हाँ याद रहता होगा कभी कभार, आज का तो पता नहीं, बहुत ऐसा क्रिंजी था तो इसलिए मुझे याद रहा थोड़ा, बाकी तो कैसा है मेरे को कभी याद रहता नहीं इतना ज्यादा भाई, मतलब हल्का सा ही कुछ एक इंसिडेंट याद हो, बाकी मैं ड्रीम में पूरा ऐसा होता है कि पूरा लाइफ भी जी चुका हूँ, समझ रहे हैं? कि बहुत फेज निकल जाते हैं, बहुत सारे हाँ मंथ्स निकल जाते हैं, बहुत सारी चीजें की है मतलब ऐसा तो, बट याद इतना रहता नहीं है यार। या व्हाट इफ वी आर स्टिल इन अ ड्रीम, इट्स पॉसिबल, इट्स अगर हम पॉसिबल, लोग सोचे तो। सही में, हाँ एक दिन हम लोग उठेंगे एंड लाइक ओहो इतने टाइप से ड्रीम में हमने इतनी बड़ी पॉडकास्ट कर ली। बट वो ड्रीम के अंदर ही ड्रीम के ऊपर पॉडकास्ट, समझ रहे? या तो वो एक चीज है सो यार। ड्रीम के इंटरप्रिटेशंस पे आते हैं अभी। सो जनरली लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे इनिशियली तूने बताया था कि ड्रीम्स में लोगों को कभी पास्ट की मेमोरीज आती है, कभी फ्यूचर के बारे में दिखता है, या फिर कोई प्रॉब्लम्स वो लोग से डील कर रहे होते तो उसके बारे में फिगर आउट होता है। ये सब चीजें एक्चुअली मैंने सारी चीजें एक्सपीरियंस की हुई है। सो मेरे पास हर एक चीज की स्टोरी है। क्या अच्छा, तेरे पास ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस है? मतलब अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो यार बहुत ही अलग अलग टाइप्स के रहे हैं मेरे ड्रीम्स तो, समझ रहे हैं? बट कैसा है कि मेरे को जनरली इतने ज़्यादा ड्रीम्स ना याद रहते नहीं है, सही बोलूँ ना, मैंने मतलब मेरे को याद ही नहीं रहता। जो मेरे को बहुत अजीब लगता है कि जो अब जैसे हमारा हाँ एक ड्रीम का, हमारे मतलब पॉडकास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लूसिड ड्रीमिंग है, एक्चुअली मेरे साथ वो चीज़ बहुत बार हुई है, मतलब कम से कम जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो लेटेस्ट टू लेटेस्ट अभी कुछ महीने पहले भी हुई थी। लूसिड ड्रीमिंग पे थोड़ी देर बाद में आते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस ड्रीम इंटरप्रिटेशंस एंड एवरीथिंग ओनली। सो मेरे एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिट केस है जो मुझे याद है कि अपनी सेकेंड ईयर चल रहा था अपना, एंड तभी मैं बहुत ही ज्यादा एग्जाम से रिलेटेड था उसमें। लाइक मेरा माइंड बस उसी के बारे में सोच रहा था कि मेरे को स्कोर करना है, पास होना है। लाइक मैं तब बहुत ही ज्यादा एकेडमिक ओरिएंटेड था, तो बस उसी के बारे में मेरे थॉट्स आते थे। रिजल्ट के एक दिन पहले, मुझे एक रात पहले ड्रीम आया, एंड मेरे ड्रीम में लिटरली पूरे क्लास की मार्कशीट आई। फर्स्ट कौन है, सेकेंड कौन है, थर्ड कौन है, रो वाइज सबका। सो मेरे को ओहो, आगे के लोग नहीं पता, पर मेरे को टॉप 3 लोग पता है कि फर्स्ट एक लड़का था, सेकेंड मैं था, थर्ड एक लड़की थी। एंड अगले दिन जब रिजल्ट आया, सेम सीक्वेंस, फर्स्ट वो लड़का था, सेकंड में था, एंड थर्ड वो लड़की थी। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे सो हैं। या प्रेमनिशन, सो ये एक्चुअली बहुत ज्यादा मेरे लिए ड्रीम्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। ड्रीम्स ने मेरे को इतने लाइफ के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं। सो एक ये एक एग्जाम्पल हो गया, एंड दूसरा एक था, सबसे पहले जब मैंने रियलाइज किया कि ड्रीम्स की वैल्यू होती है, आई थिंक आई वॉज इन थर्ड स्टैंडर्ड, इतनी पुरानी बात है, मैं बच्चा था तभी, एंड तब मैं बहुत ज्यादा गेमिंग में था। सो एक तभी गेम में खेल रहा था ना, उसमें मैं एक लेवल पे अटक गया था। लाइक मैं 4-5 दिन से वही एक लेवल को क्रॉस करने की ट्राई कर रहा था, पर मुझसे हो नहीं रहा था। सो ऑब्वियसली मैं आधे से ज्यादा दिन बस वो लेवल को दे रहा हूँ, वो सबकॉन्शियस में बैठ गया, एंड ड्रीम में मैंने वो लेवल क्रॉस कर दिया। सो जो स्ट्रैटेजी मैंने ड्रीम में यूज की थी वो मैंने रियल लाइफ में ट्राई करके देखी, एंड हो गई, मैंने एक्चुअली लेवल क्रॉस कर दिया। सो तभी मैं रियलाइज किया कि अपना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड फिर भी लाइक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढता रहता है, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज के
रियल लाइफ में प्रॉब्लम हो, लेकिन बट इफ यू आर थिंकिंग कॉन्शियसली अबाउट इट, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए सॉल्व कर देगा. एंड सो आई लेट्स टॉक अबाउट लूसिड ड्रीमिंग नाउ. चलो वैसे तो बहुत सारी चीज है, अब घुस जाते मेन टॉपिक पे. मतलब मेरे को आज तक टेल मी योर फर्स्ट एक्सपीरियंस. हाँ, सबसे पहले तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बता लूसिड का, कि हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट इट एंड देखो कब रियलाइज हुआ. एक्चुअली शायद हमने स्कूल में एक बार बात की थी, तो क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मतलब 10th में थे या 11th में या 12th में, कोई स्टैंडर्ड था, मेरे को याद नहीं आ रहा है. बट उस दिन क्या हुआ कि जैसे अभी का टाइम है, मैं रात को ऐसे फोन यूज कर रहा था, तो मैं इंस्टा तो शायद उस वक्त यूज करता था, नहीं पता नहीं, कहीं पे पोस्ट पड़ा, मतलब फेसबुक पे या कहीं पे लूसिड ड्रीमिंग के ऊपर, और मैंने उसमें पोस्ट पढ़ा. तो लूसिड ड्रीमिंग का क्या होता है बेसिक, के तुम सो रहे हो, ठीक है, बट तुम इतना ज़्यादा डीप स्लीप में नहीं हो कि तुम्हें पता ही ना चले क्या हो रहा है. तुम ऐसा है कि तुम होश में भी होते हो और तुम सो भी रहे होते हो. तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब तुम सो रहे हो, तुम बॉडी नहीं हिला सकते, बट तुम्हारा ड्रीम जो है वो तुम अपने सामने देख रहे हो, समझ रहे हो. मतलब अगर जैसे आज लेटा हुआ हूँ मैं, तो मेरे सामने जो वॉल है या सीलिंग है जो भी, मैं उसमें देख पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, समझ रहे. तो ये बेसिकली लूसिड ड्रीमिंग होता है, जो मुझे थोड़ा पता है उस टाइम से, अब पता नहीं क्या डेफिनेशन है, ठीक है, तो मेरे लिए तो यही है. तो उस वक्त क्या हुआ कि मैंने वो चीज़ के बारे में यार पढ़ा, अब और बहुत ही छोटा था, ऐसा भी नहीं कि बहुत डेप्थ में चला गया, मैं एकदम रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई मेरा सबकॉन्शियस में घूम रहा हूँ. एक छोटा सा एक इमेज का पोस्ट था और 4-5 लाइन का डेफिनेशन था ऐसा. अब पता नहीं क्या हुआ, वो मैंने ज़्यादा सोचा कि नहीं सोचा, या मेरे माइंड में वो बात छप गई वगैरह. उस दिन रात को मैं सोया और मेरे को फील हो रहा है ऐसे, मतलब थोड़े टाइम के बाद के, मतलब मैं पूरा कम्प्लीटली सोया नहीं हूँ, बट मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं कोई अलग दुनिया में पहुंच गया. अब समझ रहा, अब ये तू कॉन्शियस है उसके बारे में, मैं कॉन्शियस हूँ, और ये सबसे स्कैरी पार्ट है, समझ रहा है. मतलब जितना सुनने में फैसिनेटिंग है उतनी बहुत गांड फाड़ देता है यार. मेरी मेरे साथ 4-5 बार हुआ है लूसिड ड्रीमिंग, तो मेरी हमेशा फटी है, हमेशा. और ये अच्छा नहीं, मतलब मेरे को फील होता है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों, बट मेरे को बहुत ही गलत वाइब्स आते हैं इसमें, क्योंकि गलत वाइब्स इन द सेंस यार, तुम कॉन्शियस हो, तुम देख रहे हो तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, और तुम अपना हाथ भी नहीं मूव कर पा रहे, तू समझ रहे. वो चीज़ बहुत ही, मतलब उस वक्त, अब मेरे को उस टाइम का जो फर्स्ट टाइम का ड्रीम था वो मेरे को याद नहीं है, बट मैं कुछ तो देख रहा था, एंड कुछ तो था यार, क्योंकि जो मैंने लूसिड ड्रीमिंग की इमेज देखी थी उसमें ऐसा था कि ऊपर ना बॉडी लेटी हुई है हमारी, एंड उसके ऊपर हमारा जो ये क्या कहते हैं आत्मा होती है या सोल, जो भी कैसे, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन ऐसे निकलते हुए. और फक मेरे, मतलब मेरे को अभी गूज़बम्स आ गया यार बात करते करते, सच में. और मतलब मैं उस वक्त जब लेटा हुआ था मेरे को ऐसा ही दिख रहा था, और मेरे को मेरा खुद का प्रोजेक्शन नहीं दिख रहा, मेरे को जो इमेज में वो औरत थी अजीब सी वाइट कपड़े वाली, उसका प्रोजेक्शन दिख रहा है यार ऊपर. और मैं देख के एकदम ऐसे हो गया कि फक ये क्या हो रहा है. और मतलब मैं, अब मेरे को याद नहीं कि मेरी आंखें खुली थी या बंद थी कि क्या था, बस मेरे को इतना पता है कि मैं देख रहा था, ठीक है. अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा हाथ ऐसे हिलाने का, थोड़ा सा मतलब लेटा हूँ और मेरा हाथ ही नहीं हिल रहा. मेरे माइंड में पैरा हो गया मैं कि यार सामने कुछ और चल रहा है, यहाँ पे मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, चल क्या रहा है, तो समझ रहा है. इतना गंदा फील हुआ मतलब उस वक्त मेरे को, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम का, और ऐसा मेरे साथ 4-5 बार हुआ है. और मतलब वो तो चलो उस दिन मैं सोच रहा था, पर उसके बाद मैंने कभी भी इतना बॉदर नहीं किया इस बात पर, मतलब कभी सोचा नहीं कि लूसिड ड्रीमिंग करनी है या लूसिड ड्रीमिंग क्या होती है कि क्या करना है ये वो. कभी कभार जो बाद में हुआ है, लाइक अभी कुछ महीने पहले हुआ था, तो वो अपने आप ही हो जाता है. मतलब बहुत बार तुम वो naturally, like, और dream के अंदर ही तेरे को realize हो जाता है कि I'm dreaming. उस दिन मेरे को feel हुआ कि उस दिन मैंने ज़्यादा सोचा, इसलिए मैंने वो experience किया. But अब मेरे को समझ में आया कि it's a normal part of life. कभी कभार किसी के साथ कभी भी हो सकता है, मतलब ऐसा. Yeah, so actually जो तूने experience किया था सबसे पहली बार, उसको wild बोलते हैं, WILD, that is wake induced lucid dreaming. So, तीन टाइप के लूसिड ड्रीमिंग्स होते हैं, डाइल्ड, माइल्ड और वाइल्ड, DILD, MILD और WILD. सो वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग यही होता है कि यू आर कंप्लीटली कॉन्शियस एंड यू कैन रियलाइज कि तुम धीरे धीरे ड्रीम वाले स्टेट में फेज आउट हो रहे हो. एंड ड्रीम्स हमें ना तब आते हैं जब हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है. अगर तेरी आंखें बंद हो ना, तभी भी तेरी बॉडी पैरालाइज ही होती है. एंड द रीजन इज के तुम अपने ड्रीम्स को एक्ट आउट ना कर लो गलती से. कि ड्रीम्स अच्छा. अगर तुम कोई हरकतें कर रहे हो, वो रियल लाइफ में हाथ पैर ना चल जाए तुम्हारे, इसलिए बॉडी, तुम्हारा ब्रेन पैरालाइज कर देता है. Okay. लेकिन इधर तो कॉन्शियस है, तेरी आंखें खुली हुई है. सो वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग चल रही है वो. सो तेरी आंखें तभी खुली थी, मुझे याद है तूने मेरे को बताया था जब तूने 12th या 11th में नरेट किया था, यू सेड कि तेरी आंखें खुली है. सो ये उसी लिए होता है. एंड दिस इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं, स्केरियस्ट थिंग्स एक्चुअली जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं. इसलिए तेरी इतनी फटी थी कि वाइल्ड इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. लाइक किसी को बहुत डेस्परेटली लूसिड ड्रीमिंग करनी हो ना, तो ही दे शुड गो फॉर दिस.
जो डाइल्ड और माइल्ड है दैट्स वेरी इजी, लाइक माइल्ड वर्ड में ही इट्स माइल्ड, सो वो तो होता ही है. सो ड्रीम इंड्यूस लूसिड ड्रीमिंग ये वाली होती है जो देखो अभी रिसेंटली हुई, कि ड्रीम के अंदर लाइक कुछ होता है तुम्हें सडनली रियलाइज हो जाता है कि ओ शिट आई एम ड्रीमिंग, एंड वहां से तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है ड्रीम. सो लूसिड ड्रीमिंग इज बेसिकली कंट्रोलिंग योर ड्रीम्स, बीइंग कॉन्शियस एंड यू कैन डू व्हाटएवर द फक यू वांट टू डू. तो सो जो मतलब डाइल्ड होता है, यस रुक रुक, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से एक्चुअली. सो जो डाइल्ड होता है वो एक्चुअली कॉन्शियस ऐसे रियलाइज होता है कि जब तुम ड्रीम में हो, या तो तुम मिरर में देखो, तो मिरर में तुम्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं, लाइक उसमें थोड़े बहुत डिफॉर्मेशंस दिखेंगे, तुम्हारी शक्ल तो दिखेगी बट कुछ और चीजें भी दिखेगी जो नेचुरल नहीं होगी. और इफ यू लुक एट द टाइम, सो टाइम में 1 सेकेंड तुम्हें 10 बज रहे होंगे, लाइक कहीं और देख के वापस तुम 2 सेकेंड बाद देखोगे तो 12 बजे या 5 बजे, या टाइम विल कंटिन्यूअसली कीप चेंजिंग. सो दैट विल मेक यू रियलाइज कि आई एम इन अ ड्रीम. फिर तीसरा हो सकता है कि तुम अपने हाथ को देख सकते हो, कि हाथ में भी तुम्हें वियर्ड फील होगा. सो दिस इज डाइल्ड, कि ड्रीम के अंदर ही ये सब चीजें रियलाइज होती है. माइल्ड उन लोग वो लोग करते हैं जिन लोग को कॉन्शियसली लूसिड ड्रीमिंग करनी है, किसके अंदर घुसना है. सो माइल्ड इज नेमोनिक्स इंड्यूस लूसिड ड्रीमिंग. नेमोनिक्स पता है क्या होता है? नहीं नेमोनिक्स बेसिकली जैसे हम लोग रेनबो के कलर्स को याद करने के लिए विबग्योर बोलते थे, याद है? हाँ हाँ, तो वो विबग्योर इज अ नेमोनिक, कि लाइक किसी बड़ी चीज को याद करने के लिए कोई छोटा सा सिंबॉल या अच्छा पैटर्न या ओके कुछ ओके भी. हाँ, सो सिमिलरली जैसे इंसेप्शन में तेको याद होगा कि वो लोग अपने ड्रीम में अपने कंट्रोल रखने के लिए उसके उन लोग के पास अलग अलग चीजें होती थी, कि लियो के पास वो स्पिनिंग जैसा था, किसी के पास डाइस थे वगैरह वगैरह. सो ये नेमोनिक्स ही होते हैं, जैसे अच्छा सपोज तू अगर सपोज तूने कुछ भी डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये फीलिंग, तू बस अपनी उंगलियां और ऐसा थंब घिस रहा है. सो अगर तू जब ये अवेक होगा तब तो ऐसा बार बार घिसता रहे पूरा दिन. सो तेरे ब्रेन ये वाला सेंसेशन रिमेम्बर कर लेगा कि ऐसे घिसते हैं तो ऐसा सेंसेशन फील होता है. जब तू ड्रीम में ये सेम चीज करेगा तुझे सेंसेशन फील नहीं होगा, इसलिए तेरे को रियलाइज होगा कि ये सेंसेशन फील नहीं हो रहा, दैट मींस आई एम ड्रीमिंग. सो ऐसी अलग अलग चीजें हो सकती है, या स्नैप स्नैप करते रहो या फिर कोई भी चीज. सो दैट्स हाउ नेमोनिक्स इंड्यूस वर्क्स, के तुम अगर पूरा दिन ये करते रहोगे तो तेरे ब्रेन को आदत पड़ जाएगी ये करने की, इसलिए ड्रीम के अंदर भी ये कर लेगा. जैसे ही ये करेगा तेरे को रियलाइज हो जाएगा कि ये वो सेम फीलिंग नहीं है, एंड वहां से कंट्रोल में आ जाता है पूरा ड्रीम. सो तो एक्चुअली आई लूसिड ड्रीम अ लॉट. तूने मेरा किया लाइक है आई थिंक, तो हाँ, मैं वो ही तीसरा या पूछ चौथा रहा ड्रीम लूसिड ड्रीम होता है. हाँ, था तो तू मेरा पर्पसफुली बहुत करता ज्यादा है रेगुलरली होता है. कि तू पर्पसफुली करता है कि इट्स जस्ट नॉर्मल नहीं, मेरा ड्रीम इंड्यूस्ड ही होता है मोस्टली. पता नहीं, मैंने शुरुआत में जब लूसिड ड्रीमिंग के बारे में पढ़ा था तब मैं ये माइल्ड करने की ट्राई करता था, ये वाला जो है ये मेरा ही है कि मैं ये करता था पहले. हाँ, अच्छा इसलिए बता रहा हूँ मैं. हाँ सो बट अभी लाइक मे बी इतनी ज्यादा कर लिया कि मेरे को ड्रीम इंड्यूस्ड ही हो जाता है, जैसे ये टाइम हो गया, मिरर हो गया, हाथ को देखना, या अचानक से रियलाइज हो जाता है, या कोई भी आउट ऑफ द ब्लू चीज हो गई, एंड इट्स वेरी इजी. एंड लाइक एक मेरी सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ, आई डोंट नो दूसरों के लिए काम करेगी कि नहीं. कभी कभी ना ड्रीम के अंदर बस ये डिसाइड कर लो कि मुझे उठना है, कि मतलब अच्छा सो के उठना है. सो लाइक तुम रेम साइकिल के बीच में हो, तुम अचानक से लाइक पता है ऐसे नींद में उड़ जाते कभी कभी सुसु करने के लिए किसी भी चीज के लिए, और 2 मिनट बाद वापस सो जाते हैं. सो जब तुम उठते हो ना तब तुम्हारे माइंड में इमिडिएटली वो ड्रीम फ्रेश फ्रेश रहता है. अगर तुम कुछ और सोचो ना तो हम लोग वो ड्रीम भूल जाते हैं, मोस्टली लोग ड्रीम भूल जाते हैं उठने के बाद, बट अगर तुम उसी के बारे में सोचते रहो तो ड्रीम रहेगा फ्रेश, हाँ एंड तुम ये चीज दो मिनट हुई बाद है वापस सोने जा रहे हो. सो वहां से ड्रीम वो कंटिन्यू होता है कंटिन्यू जो यस तुम यस सोच रहे यस होता है, एंड कंटिन्यू में अब बिकॉज यूर कॉन्शियस, तुम्हारा कॉन्शियस आ गया है वहां हमारे पे, कंट्रोल में सो रहता फ्रॉम है। देयर यू कैन कंट्रोल. हाँ, सो ये बहुत बार हुआ है और ये बहुत सिंपल होता है यूज करना. एंड यू नो एक्चुअली जो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, लाइक बीथोवन है, बीथोवन ने उसकी सिम्फनीज ड्रीम में बनाई हुई है. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लूसिड ड्रीमिंग में बहुत सारे अपने फॉर्मूला हाँ सोल्व किए हुए हैं. सो लूसिड ड्रीमिंग इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग इफ यू बट लाइक मतलब अच्छे से करे तो. मतलब इस चीज में अब जैसे मैंने मेरे साथ लूसिड ड्रीमिंग हुई है बट मैंने कभी इस चीज को हाँ उस वे में नहीं देखा ना एज अ पावर समझ। जैसे बहुत सारे लोगों ने लाइक मैंने ये पढ़ा अभी जस्ट रिसेंटली कि निकोला टेस्ला ने भी बहुत बार लूसिड ड्रीमिंग करके और नॉर्मली ऐसे ड्रीम्स में इतनी सारी चीजें मतलब सर्च कर ली समझ रहे हैं मतलब या चीजें ढूंढी। मतलब निकोला टेस्ला भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था उसके डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए लोगों को पता नहीं बट मैंने थियरीज पढ़ी है बहुत सारी कि उसने बहुत सारी रिसर्च की है और उसको मतलब अब तक बहुत सबसे ज्यादा पता था ऐसा।
तो अब कैसा है कि मैंने वो चीज देखी, मतलब आज तक मैंने, जैसे अब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ उसके बाद मेरे को अब रियलाइज हो रहा है कि हाँ इट्स एक्चुअली लाइक वी कैन यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। नहीं तो अब तक मेरे साथ या कैसा है कि जब भी मेरे साथ, जैसे अभी कुछ 2 महीने पहले मेरे साथ हुआ था, 2 महीने भी नहीं शायद, 1 महीने पहले, एंड यूजुअली मेरे साथ क्या होता है कि मैं लेटा हूँ, समझ रहे, अब मैं थका हुआ हूँ या क्या है, मतलब आई एम कॉन्शियस ऐसे, और बट मैं उस स्टेट में पहुंच चुका हूँ कि जब बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, मैं सोच रहा या हूँ, समझ रहा। अब उस वक्त कैसा होता है कि मेरे माइंड में ना कुछ मतलब अलग फील तो होता है, जब तुम ड्रीम करते हो या तुम सोने जाते हो तो माइंड में या तो तुम्हें ऐसे सर्कल्स दिखते हैं, मतलब एकदम डार्क वाला, या तुम्हें फील होता है कि कुछ एक तेरे हाँ साथ हुआ होगा कभी, कि एक तुम अलग डायमेंशन में जा रहे हो टाइप्स, तो वो चीज जब होती है, समझ रहा है, उसके बाद मेरे को फील हो रहा है कि अब मैं कॉन्शियस हो चुका हूँ कि भैंसन मेरे साथ हो रही है, समझ रहा, और मेरी बॉडी मतलब पैरालाइज है, और मैं तब ना एकदम ऐसे आंखें बंद हो या खोली हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने ऐसे हाथ हिलाऊँ, हाथ हिलाऊँ, और मैं 5-6 बार कोशिश करता हूँ, मतलब मेरी एकदम गांड फट जाती है सच बोलूँ तो, कि मैं अपने आप को हिला हाँ क्यों नहीं पा रहा हूँ, और मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को निकलना है इसमें से, क्योंकि मैं कभी पॉजिटिव वे में देखा ही नहीं कि मैं अंदर जाऊंगा या डेप्थ में अच्छे से उसको यूटिलाइज करूँ तो क्या पता कुछ अच्छी चीज़ पता चले। मेरे को स्टार्टिंग में ही वही वो एंटर होने के वक्त ही मेरे को इतनी फट जाती है कि मेरे को बस एस्केप होना होता है वहां से, तो मैं 5-6 बार ऐसे से करता हूँ, फिर 6ठे बार में ऐसा होता है कि हाथ थोड़ा हिलता है या फिर मेरा बॉडी कॉन्शियस मतलब आ जाता कंट्रोल में, फिर मैं उस वे में फिर बाद में आराम से सोता हूँ, फिर मैं चिल करके सोता हूँ, मतलब ऐसा। बट मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि लूसिड ड्रीमिंग में मैं कुछ ऐसा सोचूं कि मेरे मतलब एक अलग जोन खोलूं मैं अपने माइंड का, या मैं कुछ सोचूं ऐसा जो मतलब अलग डिस्कवरी या टाइप होती है टाइप्स, तो वो कभी मैंने सोचा नहीं यार कभी भी, सच बोलूं तो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम लोग ये ड्रीमिंग करते हैं तब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल थिंकिंग वो एक्चुअली डोरमेंट हो जाता है लाइक थोड़ा सा लो हो जाता है लाइक ऑलमोस्ट बंद जैसा हो जाता है। और जो हमारा एमिगडाला होता है दैट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो इमोशंस के लिए होता है वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सो हम लोग बहुत ज्यादा इमोशन बेस्ड कंट्रोल्ड होते हैं हमारे ड्रीम्स। तो शायद तेरे इमोशंस में थोड़ा सा लाइक सबकॉन्शियसली क्योंकि तुझे पता नहीं इसलिए डर बैठा हुआ था इसलिए तुझे बस एस्केप करना था वो चीज इसलिए तू हमेशा डर जाता है। मेरा ऐसा होता है कि मेरे को अगर कोई ड्रीम अच्छा नहीं लगता मेरा ब्रेन कॉन्फिडेंट होता है मेरे इमोशंस के ड्रीम अच्छा नहीं लगा फक इट हम लोग चेंज करते कहीं और चलते हैं वील चेंज द ड्रीम नाउ एंड वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन हो जाती है। मे बी नेक्स्ट टाइम अब तुझे पता है तो यू विल ट्राई दैट तेरे मतलब ब्रेन तेरे ट्राई तेरे करेगा ड्रीम्स के साथ हमेशा एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा रिलेशन रहे, आई मीन मतलब ऐसे, समझ रहे कि तूने जब भी ड्रीम्स देखे, तू जैसे तूने पहले एक्सप्रेस किया कि सिनेमैटिक होता है या कुछ एकदम अलग ही तू दुनिया में होता है, समझ रहे, तो तेरे हमेशा तेरा एक पॉजिटिव वे में रहा है रिलेशन ड्रीम्स के साथ, इसलिए तू ड्रीम्स को अपने माइंड के अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, अगर तेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो तू जैसे तू बोल रहा चेंज कर देता वगैरह। मेरा ड्रीम्स के साथ देखा जाए तो मतलब कभी कभार बहुत अच्छे ड्रीम्स आते हैं मेरे को, बहुत ही मतलब ज्यादा मस्त, समझ रहे, बट मैं कभी भी ड्रीम्स के ऊपर ना कभी भी ऐसा नहीं कि मैं सो के उठाऊँ फिर मैं उसके ऊपर ही एम्फसाइज कर रहा हूँ या उस ड्रीम को बड़ा पार्ट बना रहा हूँ, या मैं सोचने की कोशिश करूँ कि यार मेरे को ये दिखा तो क्यों दिखा या ये दिखा तो क्यों दिखा, मतलब मैं ड्रीम कैसे है कि यार सुबह उठे गायब खत्म बात खत्म, मतलब मेरे लिए ऐसे रात गई बात गई टाइप्स, मतलब हमेशा कभी मैंने उस पर एम्फसाइज किया ही नहीं कि ये चीज डूड मेरे को क्यों स्टार्ट दिख रही एनालाइजिंग बहुत ज्यादा तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी आई प्रॉमिस यू। स्टार्ट अच्छा एनालाइजिंग योर ड्रीम्स एक बार बस खाली बैठ के ना सोच की लाइक क्या ड्रीम है एंड क्यों ये ड्रीम है। तेरे को रियलाइज होगा कि ड्रीम्स मोस्टली ना अपने डेली डे जैसा जाता है या जो अपने माइंड को जनरली जो थॉट्स ऑक्यूपाई करके रहते हैं ना उनके ही लाइक इंटरप्रिटेशन होते हैं। ड्रीम्स में कभी ना ऐसे वर्बल नहीं होता कि भाई ये चल रहा है तो तुम इसकी बात कर रहे हो। ड्रीम्स में बहुत ज्यादा मेटाफोरिकल होता है लाइक पोएटिक होता है लाइक सिम्बॉलिक होता है मतलब लाइक तुम्हें इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा ऐसे लाइक क्लियरली तुम्हें नहीं समझ आएगा बट एक बार तुमने कर लिया ना तो यू कैन एक्चुअली रियलाइज कि व्हाट्स इन योर हेड एंड लाइफ के प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं उसके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं या फिर कोई थॉट मिल सकता है। कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम बस ऐसे ही तुम्हारा मूड खराब रहता है और लाइक 4-5 दिन तक वही होता है बट यू कांट रियलाइज कि मूड क्यों खराब है वो भी ड्रीम्स की वजह से हो सकता है कि इसमें ये चीज हुआ मतलब देन यू कैन थिंक अबाउट इट। एंड वैसे सेल्फ डिस्कवरी के लिए ड्रीम समझना बहुत जरूरी है अब से ट्राई करना। करूंगा करूंगा, क्योंकि मतलब मेरे को कैसा है कि बचपन में कभी कभार ना ऐसे डरावने ड्रीम्स जो होते हैं हॉरर टाइप, समझ रहे, वो आए हैं, तो जब छोटा था मतलब काफी पहले की बात है, शायद मैं 4th 5th में हूँगा, तो मैंने मेरी मम्मी को बताया, मैंने पापा को ऐसे बोला, मतलब मम्मी को बोला, शायद पापा से तो बात नहीं की थी, मम्मी को बोला मैंने कि मेरे को ना डरावने सपने आते हैं पता नहीं क्यों और ये वो ऐसा टाइप। तो उस वक्त मेरी मम्मी ने मेरे को क्या लॉजिक दिया, उस वक्त मम्मी लॉजिक कि सोते वक्त ना कभी भी अपने ऐसे चेस्ट पे हाथ नहीं रखना चाहिए, अगर जब भी तू ऐसे हाथ रख के सोएगा तेरे को डरावने सपने आएंगे, तो ऐसे नहीं रखेगा तो नहीं आएंगे, और मैं उस चीज को लेके ना बचपन से कॉन्शियस हूँ, तू समझ रहे, वो चीज तो ऐसे नहीं मतलब सोऊंगा। हाँ मतलब वो चीज मेरे माइंड में इतना डेप्थली घुस चुकी है ना कि अब मैं जानबूझ के कभी भी मन भी हो तो भी ऐसे नहीं सोता, समझ रहे, और जब मैं ऐसे नॉर्मल सोता तो मेरे को नहीं आते सच बोलूँ तो, मतलब वो मेरे माइंड में वो
वो क्या बोलते हैं, वो रिदम बैठ गया या जो भी पैटर्न है टाइप, हाँ कि अब मैं नीचे हाथ रखता हूँ तो अब मेरे को डरावने सपने नहीं आते। अब डरावने सपनों से एक किस्सा मैं सुनाऊंगा तो बहुत क्या इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ। हम लोग हॉस्टल में थे या तो हम लोग क्या कहते हैं कॉन्जरिंग देख रहे थे। ठीक है, तूने कॉन्जरिंग पार्ट वन देखी होगी एंड ऑडियंस ने देखी होगी। तो कॉन्जरिंग में जब भी भूत आता है तो टाइम 3:07 शायद है ना, कितना बजे, 3:07 की 3:14 रात को, आह तीन कब क्लॉक कब अटकती है, 3:07 पर अटकती है आई गेस। ठीक आई है, थिंक या हाँ, तो डेली रात को ऐसा होता है कि जब भी भूत आता है तो क्लॉक 3:07 अटक जाती है। जब वो लोग सुबह देखते हैं सारी हाँ क्लॉक घर की 3:07 अटकी होती है। तो अब उस दिन हम लोग हॉस्टल में देख रहे थे, और ऐसा भी नहीं था कि यार डरावना जोन बना हुआ है, हम लोग बहुत चिल करते देख रहे थे, 4-5 लोग थे, लाइट वाइट सब चालू थी, सब कुछ था, देखा वेगा। अब वो मैंने सेकंड टाइम कॉन्जरिंग देखी थी तो मेरी इतनी नहीं फटी, बट मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, फर्स्ट टाइम का भी बहुत अलग एक्सपीरियंस, वो कभी बताऊंगा। तो जब मैंने देखी फिर मैं रात को सोया, अब मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, अचानक से ये वो रात को कमरे में मैं और मेरा एक रूममेट है अलग, तो उसके बाद मेरी इतनी बनती रही थी, हम दो ही थे, और हम लोग रात को ना छोटी वाली नाइट बल्ब जो होता है वो जला के सोते थे, और मैं अचानक से मेरी आँख खुली, मैंने टाइम देखा 3:07, समझ पड़ रहे गई मतलब तेरी। हाँ भाई बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मतलब तू सोच, तू अगर ऐसा भी नहीं कि 3:10 हो रहा है, 8 मिनट हो रहा है, एग्जैक्टली 3:07 एग्जैक्टली। और भाई वो दे मतलब मैं मेरी आंख खुली अचानक से, पता नहीं मैं डरावना सपना देखा क्या, और मैंने जैसे ही मैंने फोन देखा भैंचुद सुबह 5 बजे तक नींद नहीं आई मेरे को, समझ भाई मैं अकेले पड़ा रहा, मैं पता है मतलब इतनी फट गई थी, मेरा दोस्त सो रहा था, मैं उसको 5-6 बार आवाज भी दी कि सागर उठ जा उठ जा उठ जा ऐसे करके, समझ रहे, और वो बेचारा वो तो नींद में था, वो हाँ उठा भी नहीं। और फिर मैं सोचा मैं क्या बोलूँ यार इसे कि भाई मेरी मतलब ऐसा तो हो बस रहा है, ये ऐसे हो रहा है, शर्मा के मायूस सा पड़ा हुआ था पड़ा कोने हुआ में। था पे, पड़ा हुआ था कि मैं क्या, मतलब मैं इतना ज्यादा डर गया था उस वक्त उस पॉइंट पे कि मैं ना फोन यूज कर पा रहा हूँ, कि मैं इंस्टा देख रहा हूँ, चल टाइम थोड़ा पास कर रहा हूँ ये वो, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं ऊपर हाँ सीलिंग पे देख रहा हूँ ऐसे तो ऐसी चीज भी हुई है मेरे साथ, कभी तेरे साथ हुआ है ऐसा कोई? मेरे साथ स्केरी ड्रीम्स तो लाइक बहुत बहुत ज्यादा रेयर आए हुए हैं। एंड आई एक्चुअली डोंट इवन रिमेम्बर, लाइक बस मेरे को ड्रीम्स में अगर स्केरी पार्ट में एक तो यही है कि मेरे को बॉल्स पे लोग मारते हैं। बेटा बॉल्स आई से मार डोंट दिया नो मुझे, व्हाई। ठीक है हाँ एंड ना कभी कभी ये होता है कि मैं कुछ बोलने की या चिल्लाने की ट्राई कर रहा हूँ एंड मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये पहले मुझे बहुत सारे आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं। सो उसमें ये भी होता है कि जनरली मैं इंटरप्रिटेशन सब मैंने उसको पढ़ने की ट्राई की थी, तो गूगल करके मेरे को ये पता चला कि यू जस्ट वॉन्ट टू स्पीक आउट समथिंग, यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ समथिंग, मतलब अंदर से कोई बात बोलनी है लेकिन यू डोंट हैव पीपल टू शेयर इट विथ, या फिर तुम किसी को बोल नहीं पा रहे हो, या लाइक तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रोक रहा है कि इसके बारे में बात नहीं मत कर। उसका ये कन्वर्जन होता है ड्रीम में कि तुम अच्छा चिल्ला रहे हो लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही। फिर जनरली लोगों को कॉमन ड्रीम्स आते हैं उड़ने वाले, ठीक को आया है कभी? हाँ, उड़ने का नहीं आया मेरे को इतना कभी, हाँ मैं बाइक लेके हाँ उड़ा हूँ बट मैं ऐसे नहीं उड़ा हाँ बट ये जो तूने बोला ना कि तू बोलने की कोशिश कर रहा है बट नहीं, तो मैंने ना अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था ये बात कि एक्चुअल में जो तुम्हारे ड्रीम्स होते हैं, तुम ड्रीम्स में ना कभी डायलॉग्स शेयर नहीं करते, मतलब किसी के भी साथ। तू अगर थोड़ा रिकॉल करेगा सही से, अगर मतलब मेरे, मैंने तो ये पढ़ने के बाद मेरे को फील हुआ कि शायद सही है ये बात, क्योंकि तुम्हारे डायलॉग्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं, एक दो चीज किसी सामने वाले ने तुम्हें बोली या एक दो चीज तुमने बोली, बात खत्म, बाकी तुम्हारा ज्यादातर ना विजुअल्स होते हैं कि तुम कोई बंदी है तो बंदी के पीछे जा रहे हो, तुम आई कॉन्टेक्ट से कुछ हो गया सीन, तुम्हें कमरे में लेके जा रहे हो, फिर तुम कुछ भी कर रहे हो टाइप्स, वो सब समझ रहे, मतलब डायलॉग्स हाँ इतने शेयर नहीं होते, मतलब मैंने ये चीज देखी बहुत है रेयर कि होता है। बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, तो इसलिए शायद मेरे में तुम्हें एक्चुअली हुआ बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ तो तेरा तो अलग ही केस है हाँ मतलब मेरा नॉर्मल लाइफ जैसा ही होता है। चल लाइक कंपेयर टू नॉर्मल जितना बात करते हैं मे बी इफ आई थिंक अबाउट इट उससे कम होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि डायलॉग्स कम होते हैं। देन आई थॉट कि नहीं मेरे में तो हाँ। बातें तो होती रहती है, लाइक बोथ पार्टीज टॉक थोड़ी थोड़ी तो, ओके और मेरे तो ओके सारे ओके ड्रीम्स में भी बातें होती है। और तो हाँ विजुअल्स ज्यादा याद रहते हैं बट बातें भी है मेरे में वैसे। हाँ अच्छा। सो कमिंग बैक टू द थिंग विच आई वाज सेइंग, उड़ने वाला। सो बहुत कॉमन होता है ये ड्रीम की, लाइक 90% लोगों को उड़ने वाले ड्रीम्स एक बार तो आए ही होंगे लाइफ में। हाँ एंड मुझे सिर्फ एक ही बार आज तक आया और तब मैंने सर्च करके देखा फाइनली कि अब देखते हैं क्या होता है। मैं इतना एक्साइटेड था कि चलो मैं पहली बार ड्रीम में उड़ा हूँ कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। एंड फिर सर्च करके पता चला पैंचो नेगेटिव चीज होती है ये ड्रीम में उड़ रहा। मेरे को याद अच्छा नहीं कि क्या खराब है लेकिन बस कुछ खराब चीज है कि लाइक तुम लाइफ में खुश नहीं हो या कुछ भी, उसकी वजह से यू आर फ्लाइंग इन योर ड्रीम। एंड उसमें भी ना बहुत अलग अलग वेज होते हैं कि एक तो वो होता है कि तुम कहीं प्लेन में उड़ रहे हो या फिर तुम लाइक जो फिजिकली पॉसिबल है वैसे उड़ रहे हो। सेकेंड होता है कि तुम चिड़िया के ऊपर बैठ के किसी बर्ड के ऊपर बैठ के उड़ रहे हो।
थर्ड है कि तुम खुद उड़ रहे हो एंड लाइक एज अ बर्ड, बर्ड्स आई व्यू से कि तुम खुद ऐसे उड़ रहे हो वगैरह वगैरह. सो लाइक बहुत सारे फ्लाइंग और सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशन, मेरे को भी सबके डिटेल में याद नहीं है, बट इन अ नटशेल यही है कि इट्स नॉट अ गुड थिंग. हाँ मतलब मैंने एक्चुअली आज तक रिकॉल करूँ तो मैं कभी ऐसे सपनों में उड़ा नहीं हूँ. मैं बस लास्ट टाइम ये बोल मतलब अभी जब एक बार था तो वो भी यही था. मैंने जैसे बताया ना बाइक पे हूँ, मैं बाइक से दोस्तों के साथ हूँ और पुलिस पीछे पड़ी, तो भाई एक जगह पे डेड एंड था तो वहां से हम लोग कूद गए ऐसा, समझ रहे. और मैं डायरेक्टली पानी के अंदर दोस्तों के साथ लेके बाइक अलग घूम रही है, मतलब जैसे जेम्स बॉन्ड टाइप नहीं होता कि बाइक आगे पहुंच गई तुम पीछे, ये वो. तो कभी हाँ मैं तो वैसा हुआ है मेरे साथ, बट कभी ऐसे उड़ा नहीं हूं मैं. बट हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार ड्रीम्स में कि क्या कहते हैं, मैं मिक्स जगहों पे हूँ. मतलब जैसे अब मेरा मैं अलग अलग सिटीज में रहा हूँ, जैसे दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये वो पुणे हो गया. तो बहुत बार ऐसा होता है कि एरिया अहमदाबाद का है, घर मेरा दिल्ली का है, लोग शायद कंबाइन हो पुणे के जाता है हैं. सब. हाँ तो वो चीज़ मेरे साथ हुआ है बहुत बार. तेरे साथ हुआ है वैसा? हाँ बहुत बार हुआ है मेरे साथ. लाइक अपनी क्लासरूम, लाइक कॉलेज के मेरे को बहुत ड्रीम्स आते हैं. सो कॉलेज मेरी पुणे की होती है, लेकिन अंदर क्लासरूम में जाए तो अपनी निर्माण हाई स्कूल अहमदाबाद की जो है वो क्लासरूम होती है अंदर. लोग दोनों के मिक्स होते हैं कि मेरे क्लासमेट्स भी है और कॉलेज के लोग भी है. तो हाँ ये लाइक मल्टीपल प्लेसेस में रहे तो ये तो होता ही है. सो नाउ टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंसेप्शन? देखो लगता है ऐसा मशीन पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग ड्रीम्स के अंदर जाए, दूसरों के ड्रीम्स के अंदर जाए, कंट्रोल करे वगैरह वगैरह? व्हाट देख डू यू सही थिंक? बोलो तो लाइक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट आई डोंट थिंक कि इट इज पॉसिबल. मेरे को ऐसा फील होता पर्सनली, लाइक इट इज गुड टू सी. मतलब ऐसे मूवी में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यार क्या मस्त है, अपने भी कर सकते हैं या करे ऐसा सा टाइप्स ना. बट मेरे को नहीं हाँ लगता जितना इजीली बोल, मतलब इजी तो नहीं है ऑब्वियसली, उसमें भी बहुत सारे उनके चीजें होती है, बट जितना इजीली वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं मेरे को नहीं लगता कि वैसा पॉसिबल है. क्योंकि ड्रीम्स में किसी और के ड्रीम को कंट्रोल करना, क्रिएट करना एंड किसी और के ड्रीम में जाना, तुम्हारा खुद का कंट्रोल नहीं है यार, समझ. मतलब मेरे को बहुत पर्सनली ऐसा फील होता है कि ड्रीम्स में बहुत बार तुम्हारे साथ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो तुम्हारे तुम्हें लाइफ भर इफेक्ट करते हैं. मतलब मेरे को ऐसा फील होता है पर्सनली कि मतलब आज तक मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, बट मैंने सुना है, मेरे को लगता है ऐसा स्ट्रांगली कि बहुत बार लोग ड्रीम में कोई बहुत ही भयानक सा सपना देख लेते टाइप, समझ रहे हैं कि इस जगह पे गया तो ऐसा गलत ही होने वाला है, एंड फिर वो लोग वो चीज़ कभी करते नहीं. तो मेरे को लगता है कि इंसेप्शन में जो कॉन्सेप्ट बताया वो एक लेवल तक ठीक है, बट एक एक मतलब जो फाइनल क्लाइमेक्स है उसमें नहीं, लेवल के अंदर लेवल के अंदर लेवल के अंदर, मतलब तीसरे चौथे लेवल में होते, वो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लगता है ऐसा. बाकी तेरे को क्या लगता है इस चीज पे? सो इसके ऊपर तो ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो वेरी अनश्योर, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट ने वही डिस्कवर नहीं किया कि एक्चुअली हम ड्रीमिंग क्यों करते हैं, ड्रीम्स क्यों आते हैं हमें. मे बी एक बार ये हो जाए, उसके बाद शायद ऐसे मशीन बनाने की ट्राई कर सकते कि एग्जैक्टली कैसे होता है. हो जाए तो भी आई थिंक कि एक लेवल होगा, तुम ड्रीम के अंदर दूसरा मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हो? वोई वो अगर तुमने वोई किया ये तो फिक्शनल है ना, तुम्हारे दिमाग से इट्स लाइक एग्जैक्टली जो प्रिसिशन से वो तो होगा नहीं. सो कैसे ड्रीम के अंदर दूसरे ड्रीम में तुम घुस सकते हो? और यार ड्रीम, मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली अभी बात करते करते दिमाग में थॉट आया कि ड्रीम इज नॉट समथिंग के विच यू कैन क्रिएट इन योर माइंड, समझ. ड्रीम ऐसा है कि तुम सो रहे हो, तुम अगर किसी दिन अच्छा सोच रहे हो, तुम चाहते हो कि यार पूरे दिन सोचो यार यही हो यही हो, तो शायद हो सकता है, बट वो बहुत 100 बार में एक बार ऐसा होता है कि कोई अच्छा ड्रीम तुम देखते हो टाइप, समझ ना. मतलब अगर कोई जैसे ये साइंटिस्ट लोग का भी हो गया, मतलब कोई एक अल्टीमेट कोई क्रिएटिव आइडिया आया, समझ रहे, जैसे सिम्फनीज की तूने बात की वगैरह, वो ऐसा नहीं है कि उनको हर दूसरे ड्रीम में आ रहा है. वो ऐसा होता है कि नहीं, कभी, वो तो ये लूसिड ड्रीम हो गया ना, वो लोग कॉन्शियसली कर रही है सब चीजें. हाँ चल वो चीज़ एक अलग है, बट जैसे ड्रीम है, मतलब नॉर्मली मैं मेरा पॉइंट ये है कि अगर आज मैं कोई ड्रीम देखना चाहता हूँ, आज जरूरी नहीं है कि मैं भले पूरा फोकस लग के मैंने प्लान बनाया, मैंने सोचा है कि मैं ऐसा ही करूंगा या ये ही करूंगा ड्रीम में, एंड वो जरूरी है वही हो, समझ रहे. तो जैसे उसमें नहीं, वो लोग कैसे करते हैं कि मशीन से किसी और के ड्रीम में घुसते हैं एंड फिर वो लोग सिचुएशंस वैसे क्रिएट करते हैं जो उनके फेवर में हो, समझ रहे. वो चीज़ मेरे को नहीं लगता कि दैट इज टू ईजी कि यार तुम किसी और के ड्रीम में जाके भी वो करो जो तुम चाहते हो. भाई तुम अपने ड्रीम में वो नहीं कर पाते इतना कि जो तुम चाहते हो, मतलब बहुत रेयरली या कभी कभार ऐसा होता है कि तुम अपने अकॉर्डिंगली ड्रीम में रिएक्ट कर रहे हो. मतलब अगर कोई लड़की के साथ हो या कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त के साथ हो, तुम चाहते हो कि यार मैं उस जगह पे जाऊँ, समझ. हमेशा वो जगह जरूरी नहीं है कि तुम उस जगह पे जाओ. बहुत बार ऐसा होता है कि हम तुम सोच के जाते हो कि जैसे मेरे को एक लेक पे जाना है, जैसे वस्त्रापुर लेक है, बट मैं वहां पे पहुंच रहा हूँ तो वो कुछ और होता है, क्योंकि वैसा नहीं होता एग्जैक्टली जैसा हमने देखा है एक्चुअल में, समझ रहे. ऐसा क्योंकि मैंने मैंने बहुत बार ड्रीम्स देखे तो उसमें जैसे मेरा घर भी है, जैसे अगर आज मेरा घर का भी ड्रीम देख रहा हूँ तो उसमें भी ड्राइंग रूम अलग है या रूम्स अलग है थोड़ा, मतलब कुछ तो अलग है भाई, सेम टू सेम नहीं है एग्जैक्टली जैसा कि जैसे रियल लाइफ में. तो मेरे को वो चीज को लेके बहुत फील होता है नहीं, कि सो एक्चुअली ये इंसेप्शन में ये सीन है कि बेसिकली सपोज अगर 5 लोग हैं, सो
उसमें से चार लोगों को पता है कि वो लोग किसी और के ड्रीम में जा रहे हैं और पांचवें इंसान को नहीं पता वो टारगेट है उन लोग का। सो सब लोग रहे, वो पांचों के ड्रीम्स कंबाइन हो रहे हैं, लाइक एक ही सेम ड्रीम पांच लोगों को दिख रहा है, मतलब वो पांचों कंट्रोल कर सकते हैं वो ड्रीम को, लेकिन ये चार लोग को पता है कि हमें कंट्रोल नहीं करना है, हमें बहुत स्पेसिफिक चीजें करनी है, इसलिए ये पांचवे का जो ड्रीम कर रहा है जो टारगेट है उसका डोमिनेंट ज्यादा होता है, इसलिए पूरा उसकी सेटिंग होती है, क्योंकि मशीन एक है और सब लोग वो मशीन से कनेक्टेड है ना, इसलिए वो मशीन की वजह से सबके ड्रीम्स कॉमन है, और बाकी के चार लोग सिर्फ वही स्पेसिफिक चीजें ड्रीम करते हैं जो उन्हें चेंज करना है, और वो चार तो प्रोफेशनल्स है ना, इसलिए उनको पता है एग्जैक्टली कि हमें एक्स्ट्रा नहीं सोचना, लेकिन फिर भी ये जो अपना लियोनार्डो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए उसको उसकी वाइफ हर एक किसी के ड्रीम में दिखती है, तो ये उसी के दिमाग से निकल रहा है, वो भी वो ड्रीम का पार्ट है, वो बाकी सब चीजें कंट्रोल कर पा रहा है, इसलिए बाकी सब जो टारगेट है उसके ड्रीम के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये चीज को वो नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी वाइफ हर जगह पे दिखती है उसको। सो ये सीन है वहां पे कि सब लोग शेयर कर रहे हैं एक ही ड्रीम, सो और इस चीज ऐसा नहीं है। का, हाँ बोल बोल कंटिन्यू कर। हाँ बस वही कि ऐसा नहीं है कि वो लोग किसी और के ड्रीम में घुस रहे हैं, मतलब अच्छा, कि सबका कॉमन ड्रीम है। हाँ बाकी मतलब मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि उनको एक ही ड्रीम बहुत बार बार दिखती है, समझ रहे, कि या बचपन से कोई एक ड्रीम है वो बार बार आ रही है, या वही चीज मतलब वही इंसिडेंट बार बार ड्रीम में हो रहा है। तो इस चीज के ऊपर तूने कभी जाने तो पढ़ा या है? जाने ना, देखिए। तो मैंने देखी है, पर उसमें ड्रीम वाला क्या सीन था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। अरे वो जो उसका लीड एक्टर होता है उसको सपना आता है कि वो हमेशा घोड़े पे होता अच्छा है, हाँ, ओके, ऐसी मेरे को याद आया, तो मैं वही या तेरे से पूछ रहा था। तो क्या तूने हाँ इस चीज़ पे रिसर्च किया कभी, कि अगर तुम्हें एक ही ड्रीम बार बार दिख रहा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब कि ऑब्वियसली तुम्हारी कोई अनरिजॉल्व्ड इशू ही है, सो जितना मैंने पढ़ा था तुम्हें एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए अगर एक ही ड्रीम बहुत ज्यादा रिपीटेडली आ रहा है तुम्हें, तो कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा है तुम्हारे सबकॉन्शियस में दबा हुआ जो बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है, बाकी मेरे बट मेरे को को, ऐसा कभी तो हुआ नहीं है, सो आई डोंट नो पर्सनली, आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड। तो अपने थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट के ऊपर बात करते 2 मिनट लास्ट में। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि जैसे साइकोलॉजिस्ट वगैरह है, मतलब मैं पर्सनली जो भी, मतलब मैंने जितना भी बुक्स पढ़ी है या कुछ भी पढ़ा है, तो आई डोंट बिलीव इन देम। मतलब पता नहीं, मेरा इतना अच्छा लुकआउट नहीं है उनमें, सच बोलूँ तो। क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है कि ठीक है, साइकोलॉजिस्ट मतलब सबके लिए बहुत अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर कोई भी है आज, ठीक है, उनकी लाइफ, बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत चेंज की है, बट मेरे को ऐसा फील होता है पर्सनली कि यार आज अगर तुम किसी पर्सन को बता रहे हो बात या कुछ कर रहे हो बात, समझ रहे, आज वो तुम्हें कोई चीज़ अगर तुम्हें बता रहा है या तुम्हें बोल रहा है, वो बहुत बार ना वो चीज़ हमारे माइंड में इतना ज़्यादा घुस जाती है। जैसे अगर मेरे को बचपन से कोई मेरे को बोलेगा, या मैं किसी से बात करूँ, मैं डाउट में हूँ मतलब किसी चीज़ में, और वो मेरे को बोलेगा कि नहीं तेरे साथ ना यही होगा, या तू ना ऐसे करेगा, या तेरी लाइफ मतलब इस चीज़ को करने के लिए बनी है या ऐसा करने है, तो भले मैं करना नहीं चाहता, बट मैं फिर मेरी थिंकिंग, मेरा सबकॉन्शियस वो ही एक्सेप्ट कर लेगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आज कोई साइकोलॉजिस्ट है, अगर वो, मैंने जैसे सपोज कर मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे को अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, सब कुछ है। अब ऑब्वियसली तूने अपनी स्टडीज की है, सब कुछ किया, तू अच्छा जवाब मेरे को दे पाएगा, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि तू सारा एकदम परफेक्ट ही मेरे को बता पाएगा। तू आज अपने हिसाब से जो तेरे को समझ में आ रहा है मेरी बातों से, तू मेरे को वैसा सोल्यूशन देगा, समझ रहे। अब तूने एक मेरे को सोल्यूशन दिया, तो मेरे लिए तो लाइफ का अल्टीमेटम वही बन गया ना, कि यार ये मेरे को साइकोलॉजिस्ट ये बोल रहा है, तो मेरे को मतलब मेरे माइंड में पीछे सबकॉन्शियस में तो वही छप जाता है ना, कि हाँ मेरे को ऐसा ही करना है, या यही चीज़ मेरे साथ होगी, या मेरे को ये चीज़ नहीं करनी तो ये चीज़ होगी टाइप से, समझ रहे। तो मेरे को फील होता है कि वो चीज़ गलत है मेरे हिसाब से, कि तुम किसी और पर्सन जो तुम्हें रिकमेंड कर रहे हैं उस चीज़ को, तुम कभी कभार बहुत सारे लोग मतलब कोई जो वीक मेंटेलिटी के होते, तो वो उस चीज़ को ही अपनी रियलिटी बना लेते हैं। अगर कोई पर्सन उसको बोलता है कि यार तुम अगर ये चीज़ करोगे तुम्हें बहुत मेंटल प्रेशर पड़ेगा, जैसे अगर सपोज करें बिजनेस के टर्म्स में देखें, बहुत बार कोई पंडित लोग होते हैं या कोई भी ऐसे होता है, वो बोलता है कि नहीं तुम ना मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है या वो अच्छा नहीं है, तो समझ रहे, वो चीज़ एक आदमी को एक बाउंड्रीज में फिट कर देती है, समझ रहे, मेरे को ऐसा फील होता है। तुझे क्या लगता है? नहीं, सो पंडित एंड साइकोलॉजिस्ट को तो कंपेयर नहीं कर सकता, पंडित तो पता नहीं ऐसे ही अंधविश्वास या कौन से अजीब से कैलकुलेशंस पे बोलते हैं कि ये मत करो वो मत करो, उसका नहीं पता, बट साइकोलॉजिस्ट जनरली तो मैं ऐसे डायरेक्ट चीज कभी नहीं बोलते, लाइक मैंने अच्छा, पर्सनली कंसल्टिंग की हुई है, तूने कभी किया हुआ? नहीं मैंने कभी नहीं किया। हाँ सो मैंने की हुई है, सो दे डोंट एग्जैक्टली टेल यू वॉट यू हैव टू डू, दे जस्ट हेल्प यू फिगर आउट वॉट यू हैव टू डू, कि अगर तुझे प्रॉब्लम है तो वो तेरे को डायरेक्टली सोल्यूशन कभी नहीं बताते, वो तेरे को सबसे पहले तो खुद की प्रॉब्लम और क्लियरली समझाते हैं, और वो तेरे को मोस्टली ना दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, दे विल नेवर गिव यू ब्लंट एडवाइसेस कि ये है तो भाई ये कर, ये है तो ये कर, वो तेरे को क्वेश्चन पूछ के तेरे से खुद से तेरे अंदर से आंसर निकलवाने की ट्राई करते हैं कि तुझे ये अच्छा। हो रहा है, व्हाई डू यू फील लाइक दैट, क्या तुझे इसलिए ऐसा फील हो रहा है क्योंकि
तेरे लाइफ में कोई क्वेश्चंस दूसरा आर द इंसिडेंस हुआ आंसर्स. था। हाँ, क्योंकि वो तेरे लाइफ के बारे में सिर्फ सुनते हैं और हर एक चीज को कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं, और एज अ थर्ड पार्टी वो एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं, जो तू फर्स्ट पर्सन में नहीं देख पाता। सो वो कनेक्ट करके तेरे सामने बस डिस्प्ले करते हैं कि तूने ये इन्फॉर्मेशन दी है, उस हिसाब से तेरी ये सिचुएशन है, व्हाट डू यू थिंक अच्छा. अबाउट इट। देन वो तेरे को पूछ रहे थे, फिर तेरा दिमाग फाइनली कॉन्शियसली या तो रियलाइज कर रहे थे कि अरे हाँ, मेरा इशू तो ये है। देन दे विल आस्क यू के व्हाट डू यू थिंक इट्स बेटर, कि लाइक तुझे लाइक सबसे पहले वो तेरे को एज अ पर्सन जाने की ट्राई करेंगे, तेरे अंदर से ही आंसर निकालेंगे। ऐसा बहुत रेयरली होगा कि दे विल डायरेक्टली टेल यू कि भाई ये प्रॉब्लम है, यू शुड डू दिस, और कुछ मत कर, यही कर। अच्छा, क्योंकि तो उनको ये पता है कि मेरा लाइक गलत हर एक इंटरप्रिटेशन है. इंसान, हाँ, हर एक इंसान का दिमाग अलग वे में वर्क करता है। जो सोल्यूशन एक इंसान के लिए यूज करेगा वो दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकता। सो डेफिनेटली तेरे को एक बार तो लाइक मे बी आई जाना होप तेरे को चाहिए. जरूरत ना पड़े, बट लेकिन तू, हाँ मतलब कोई इश्यूज ना हो, लेकिन तू ऐसे भी लाइक बात करने के लिए भी जा सकता है फॉर एन एक्सपीरियंस। देखो कुछ ना कुछ अच्छा ही समझने को आएगा तेरे मतलब बारे थोड़ा मन में। हल्का ही होगा एटली, मतलब इन दी एंड मिलने के बाद. बट मतलब बहुत ठीक सारी है, प्रॉब्लम्स के लिए यू कैन डू इट, साइकोलॉजिस्ट का मेरे को मैंने किया हुआ है। पर्सनली पता नहीं था, तो अभी हाँ तूने बताया तो मेरे को समझ में आया कि मेरा जो मैं सोचता हूँ वो गलत है. बट रही बात ये चीज़ की, जैसे जो मैंने पंडित वाली बात बोली, वो चीज़ में तो मेरे को गलत लगता है काफ़ी ज़्यादा, कि कोई तुम्हारी वो लाइफ तो है कंट्रोल कर ही। रहा है. मतलब हो सकता है कि उनको भी नॉलेज हो, मतलब बहुत सारे बहुत रिनाउंड या पढ़े लिखे होते हैं टाइप्स जो इस चीज़ की स्टडीज़ करते हैं. बट अगर किसी पर्सन को तुम बोल रहे हो कि यार तुम ना पैसों के पीछे ज़्यादा मत भागो, अच्छा नहीं है, या तुम ना इस चीज़ से दूर रहो, या तुम हफ्ते में 2 बार ये चीज़ करो, गाय को खाना खिलाओ, थोड़ा ये करो वो करो टाइप, समझ रहे हैं, हाँ ये चीज़ें अपने आप ही ना पैटर्न क्रिएट कर देती माइंड में. मेरे को ऐसा फील होता है कि किसी और के बोलने पे तुम कर रहे हो तो तुम्हारे माइंड में ना वो पैटर्न बन जाता है. मतलब तुम अगर करना भी चाहोगे तो भी तुम्हें लगा अरे यार उसने मना किया, कुछ गलत हो गया, तो और उसी दिन फिर कुछ गलत हो जाता है, समझ रहे हैं. वैसी चीज़ होती है लोगों के साथ, हाँ क्योंकि सबकॉन्शियसली वो चल ये रहे हैं. तुम्हारे, हाँ वही सबकॉन्शियसली तुम्हारे खुद की वजह से ही वो गलती हुई है, और बाद में तुम इस चीज की वजह से ब्लेम कर रहे हो उसको कि मैंने ये नहीं किया था इसलिए ये हो गया। सो ये वही प्लेसिबो वाली स्टोरी है ना, कि वो कुछ तुम्हारे दिमाग में डाल दे तो तुम बिलीव करने लगते हो कि हाँ अब यही है। वही. सो हाँ वही लाइक आई गेस कि इसके लिए तुम्हें बस खाली अपने आप को ज्यादा जानना जरूरी है, एंड यू हैव टू रियलाइज कि दुनिया में सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो सकती, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आर द पीपल्स है। ये चीज तो है. यप, सो आई थिंक अपन कंक्लूड करते हैं ये वाला टॉक। हाँ, अभी काफी आज सारी ड्रीम्स की बातें हो गई। काफी बातें की हमने और अच्छा हाँ खासा पॉडकास्ट कोई हो एंडिंग गया. नोट्स है तेरे पास, कुछ शेयर करना है? एंडिंग नोट्स मेरे पास ये है, मतलब मैं पर्सनली यही कहना चाहूँगा कि यार सब लोग की लाइफ बहुत अलग है और सब लोग के ड्रीम्स भी बहुत अलग होते हैं. और बहुत बार कैसा होता है कि अगर तुम्हें नेगेटिव ड्रीम आ रहा है, पॉजिटिव ड्रीम आ रहा है, वो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लाइफ का में एंड में वैसा होने वाला है या कुछ है. मतलब जैसे हम लोग थियरीज पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जैसे मेरे को अभी थोड़े बहुत वायलेंस वाले ड्रीम्स आते हैं, तो मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आगे कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम होगी या कुछ होगी. क्योंकि हो सकता है कि इस फेज ऑफ लाइफ में, मतलब मैं नॉर्मली जनरली जनरलाइज कर रहा हूँ, कि इस फेज ऑफ लाइफ में मैं उतना खुश नहीं हूँ शायद, तो इसलिए मेरे साथ वो चीज़ें हो रही है या मेरे को ऐसा फील हो रहा है टाइप. मतलब बहुत बार तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे लाइफ के करंट सिचुएशंस पे बहुत डिपेंड करते हैं यार. अगर तुम सही में खुश होते हो तो तुम्हें देख बहुत अच्छे मैम, यू आएंगे. आर 23 ईयर ओल्ड राइट नाउ। देखो ये वायलेंट ड्रीम्स अभी रिसेंटली आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं? मतलब अभी कुछ टाइम से आ रहे हैं, ज्यादा इतना नहीं आया है, मतलब हाँ समझ रहे तो हो. यू डोंट हैव टू वरी, ये वायलेंट ड्रीम्स अगर कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द लाइफ आते हो तो प्रॉब्लम है मेंटल डिसऑर्डर की। यू आर सेफ देन, डोंट वरी। आई नो आई एम सेफ, बट हाँ मतलब मैं जस्ट नॉर्मली कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बार, मतलब जैसे अभी तूने ये चीज़ बोली तो मैंने, मतलब वो मेरे को पता है वो चीज़, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं की. बट बहुत बार लोग ये चीज़ को या एक्सेप्ट करके सोचने लगते हैं कि यार कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है टाइप, समझ रहे हैं, कि पागल हो लोगों जाऊंगा मैं एक दिन। हाँ ओवर हाँ थिंकिंग में घुस जाते हैं. क्योंकि मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ, मैं घुस चुका हूँ बहुत सारी गलत चीज़ों में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यार तुम्हारी मेंटालिटी सही रखनी बहुत ज़रूरी है. और अगर तुम्हें, मतलब मेरे हिसाब से कोई भी अगर पर्सन देख रहा है अगर यहाँ तक, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा माइंड को और ज़्यादा समझना वगैरह, तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके बुक है एक, वो बहुत ही अमेजिंग है. लवली, तो बहुत मैंने अमेजिंग बुक मैंने है। एक्चुअली 3-4 बार स्टार्ट की है, बट मैंने कभी कंप्लीट नहीं की, मैं सच बताना चाहूँगा. बट मैं अभी आजकल कुछ दिनों से वो पढ़ रहा हूँ, और मैं कुछ दिनों से काफ़ी परेशान था लाइफ में, बट जब से मैंने वो पढ़ने शुरू की है, सो आई एम हैप्पी एज फक, और मैं काफ़ी खुश हूँ. और मेरे को समझ में आ रहा है कि यार मतलब बहुत चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा गलत वे में सोचते हैं, हमें पता ही नहीं है क्या होता है एग्जैक्टली. तो ये सब चीज़ें पढ़ने से जानने से बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सोल्यूशंस मिलते हैं, और तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे वे में और राइट डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई करना चाहता तो वो चीज़, वो बुक पढ़ो, बहुत अमेजिंग बुक है. बाकी कौशल तुम बताओ. यस डेफिनेटली बिकम सेल्फ अवेयर यार, सेल्फ अवेयरनेस इज द रियल शिट। कितने सारे लोग अपनी सारी उम्र इल्यूजन में बिता देते बिना सच्चाई जाने, लाइक लिटरली
यहाँ पे बाजू में ही तुम्हारे बाजू में खुशियों का रास्ता और तुम लोग जानबूझ के उस पर नहीं चल रहे हो, सही बात है, लाइक सही गेट टू बात नो है। योर सेल्फ। हाँ और अपने लिए टाइम निकालो, मेन चीज तो ये यार, तुम ये मतलब बहुत बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने भी बहुत बार किया कि मेरे को प्रॉब्लम है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे कोई चीज देख रहा हूँ, मैं दोस्तों में चला गया, मतलब जो मेरी प्रॉब्लम है मैं उसको एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एस्केप ले रहा हूँ कि मैं कुछ और करूँ कुछ और करूँ ताकि माइंड में आए ना। बट यार दिन में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता ही है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता करने को, या तुम बैठे होते हो या सोने वाले होते हो, वो प्रॉब्लम दोबारा आएगी, गांड मारेगी, तो इसलिए उसका फिगर आउट करो, उसके बारे में सोचो, मतलब एक अपनी एक थियोरी बना लो उस चीज़ को लेके, मतलब फिगर आउट करके कि यार क्या तुम्हें क्या सही है क्या गलत है, क्या लगता है कौशल इस बात पे तेरे को? या डेफिनेटली, बट अब मेरे को इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना क्योंकि हम लोग टॉपिक से बहुत ही ज्यादा डिटर हो रहे हैं, वापस मोटिवेशनल साइड पे घुस रहे हैं। सो हाँ डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइस, बट डेफिनेटली गिव ड्रीम्स अ थॉट कि ड्रीम्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड कंक्लूडिंग में आई विल जस्ट आंसर दिस वन क्वेश्चन। सो एक वन क्वेश्चन लाइक मैंने थ्रू आउट माई लाइफ बहुत लोगों से सुना हुआ है कि अंधे लोग ड्रीम कैसे करते हैं। सो हाँ यार ये फाइनली नाउ चीज आई तो, नो कैसे करते यस, हैं। बताओ बताओ बताओ। सो अंधे लोग डू ड्रीम एंड दे ड्रीम इन इमेजेस, उनको इमेजेस आते हैं। इमेजेस अच्छा जरूरी नहीं है कि जो रियल लाइफ में हो वो सेम टू सेम उनके दिमाग में, क्योंकि उन्होंने कभी देखी ही नहीं ये चीजें। जो ऑब्वियसली बाद में अंधे हुए उन्होंने देखी हुई है, तो उनको तो नॉर्मल ड्रीम्स ही आएंगे। जो लाइक पैदा ही अंधे होते हैं दे ऑल्सो ड्रीम इन इमेजेस, बट उनका क्या सीन होता है कि बिकॉज दे टच एंड फील एवरीथिंग ना, तो उनके दिमाग में ऐसे शेप एंड स्ट्रक्चर विजुअल्स। बन जाता है। हाँ सो शेप उनको आएगा कोई अलग कलर का, कुछ अलग ही दिखेगा उनके दिमाग में क्योंकि उन्होंने रियल चीज नहीं देखी। इट वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, बट दे ऑल्सो ड्रीम इन इमेजेस। सो दिस इज द आंसर्ड क्वेश्चन। दिस हाँ वॉज बहुत वेरी लोगों ने इंपॉर्टेंट मेरे को पूछा क्वेश्चन, हुआ है। कोई पूछेगा एग्जाम में तो भाई या लिख लेना, ठीक है? तो चलो फिर इस टॉप ऑलराइट मतलब इस बात पे फिर कंक्लूड करते हैं हम लोग, ठीक है? यस चलो फिर अब हम ऑलराइट लोग ठीक मिलेंगे है, नेक्स्ट पीस ट्यूसडे, वी आउट। विल हैव वन गेस्ट, तो वो तब हम बताएंगे ट्यूसडे को, ठीक है? हमारा एक बहुत अच्छा हाँ दोस्त आने नेक्स्ट वाला ट्यूसडे है, बाकी आज के लिए बस अगर इतना आया ही। तो। नहीं आया तो हम दोनों हाँ काफ़ी है यार, बहुत है हम दोनों, ठीक है? कोई सीन नहीं है। चलो अब मैं यप एंड करता हूँ, ओके बिचेस।